यार ये शीशा टूटा हुआ है थोड़ा अब, और ये पानी भी लीक हो रहा है यहाँ से। अरे ये तो सारा क्रैक है। हाँ और ये देखो पानी गिर रहा है नीचे। मैं तो कहता हूँ यार इन मछलियों को ना, बीटा फिश को और सारों को इधर ही शिफ्ट कर देते हैं इस पॉन्ड में, ठीक है? हर किसी टाइम भी पानी कम हो जाएगा और सारी मछलियाँ भर जाएंगी। तो चलो यार ऐसे ही डाल लो सारा। बीटा फिश, नक्कल की फिश, अरिवाल में मर जाएंगे, चली गई। ओए एक है अंदर यार, ऐसा यार पागल मर जाती हो। हाँ आप सही है, ये नहीं बीटा फिश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार हमने अपनी मछलियों को ना, जो हमारी मछलियाँ जार में थी उनको हमने फाउंटेन में छोड़ दिया है, क्योंकि उनका जार हो गया था लीक, जिसकी वजह से यार जार में से पानी कम होता जा रहा था। तो यार हमने बीटा फिश और हमारी जो मूली फिशेज थी सबको ना फाउंटेन में छोड़ दिया है, और इंशाल्लाह हमारी फिशेज वहाँ पर खुश रहेंगी। बीटा फिश अपनी नस्ल की मछलियों से लड़ती है, बाकी किसी नस्ल की मछलियों से नहीं लड़ती, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यार ये जो जार में पौधा था ना, ये हम लगा देते हैं इधर, अब यहाँ पर ये ठीक लग रहा है ना चाचू? अच्छा लग रहा है ना? नहीं ठीक नहीं लग रहा। कहाँ रखें फिर? यहाँ पर रखें? हाँ। ऐसे यार ये, चलो यार शहन का कहना मान लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। ये यार हमारी मुर्गियों का ना मिक्स दाना है, तो अब ना इनको यहाँ से थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मौजूद था ना वो ख़त्म हो गया था सुबह, तो अब हम ये वाला डाल देते हैं। नहीं आप ज्यादा डाल लोगे। मैं ज्यादा नहीं डालूंगा। यार ये ईगल बार बार छुप जाता है यार, पीछे चला जाता है। आ जा। और ये हाथ पे भी अब कम ही बैठता है यार। आ जा आ जा आ जा आ जा। ये लो यार, इसको थोड़ी देर पहले मैंने खाना तो आप दे दिया था, ठीक है? हाँ मेरे ख्याल में यार गुनाफुल अंडा दे रही है। देखो कोने में, तुम उधर से देखो, मैं इधर से देखता हूँ। हाँ हाँ नहीं है, क्या पता यार थोड़ी देर में दे दे, इसको जाने देते हैं। तो यार हम ना अपने कछुओं को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए छोड़ने वाले हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा हम घास भी फैला रहे हैं, ताकि हमारे कछुए खुश हों और वो घास खाएं। तो यार मैं अंदर आ गया और सारे कछुओं को ना उठा लेते हैं। सिपेन ये वाला पकड़ लो तुम, और हाँ ये मुझे दे दो। तो यार पहला कछुआ हम छोड़ रहे हैं, और बाकी वाले जो जो भी आ गए यार माशाल्लाह, तो तुम भी जाओ भाई। चला भाई मजे करो। ओए क्या हो गया, इतना डरा हुआ है यार ये तो? छोड़ दो जाएगा। चलो भाई तुम भी जाओ मजे करो। यार देखें दोस्तों घास में किस तरह से छुप रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं यार सिप्तान। देख रहे हो, खुश हो रहे हैं। चलो यार यहाँ पर घूमते रहे थोड़ी देर, फिर हम इनको एक दो घंटों के बाद उठा लेंगे, ठीक है? ओके। तो यार तुराब ने जो है ना इनको फीड डाली थी अभी, तो अभी घास डाल रही है। लो यार हमारी बकरियां उस टाइम तक इस घास के पास नहीं आएंगी जब तक ये वाली फीड बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि इनको ये वाली फीड बहुत ज्यादा पसंद है, तो जब तक खत्म नहीं होगी उधर नहीं जाएंगे। यार क्यों कर रहे हो ऐसे चाचू, इसको छोड़ दो छोड़ दो। चाचू मैंने रखना था ना उधर। कहाँ रखना था? इधर। हाँ गुड गुड गुड। तो आप देखो एक्टिव हो गया ये फुल माशाल्लाह। अच्छा मैंने सीते एक चीज सोची है। हाँ। यार मैंने ये सोचा है कि हम ना इस मुर्गी के नीचे कुछ और चूजे रखते हैं, क्योंकि इसने सिर्फ एक चूजा निकाला है, तो क्या यार ये 6 महीने इस एक ही चूजे को पालेगी। तो मैं सोच रहा हूँ यार हम ना अभी चूजे लेकर आते हैं कुछ, और इसके नीचे फिर रख देते हैं। मैंने एक अंडा भी इसके नीचे ये रखा हुआ है, देखें इसके अंडे तो सारे के सारे खत्म हो गए थे, मैंने एहतियातन एक रख दिया ताकि ये जगह ना छोड़े अपनी। अब इसके माइंड में ये है कि मेरे और चूजे आने हैं, तो इस वजह से हम अब जाते हैं और लेकर आते हैं चूजे। चलो यार चलो भाई। रोज मुझे भी लेकर जाओगे ना? नहीं जब लेके जाना होता है आपको बोलते हैं ना, आ जाओ। तो हाँ मैं लेके चलूंगा। मैं नहीं बोलता। यार शायान को हम लेकर नहीं जा रहे साथ, क्योंकि उसका टाइम हो गया था ट्यूशन का, तो उसको हमने ट्यूशन छोड़ दिया है, और अब हम जा रहे हैं मार्केट। चलो चलो चलो। फाइनली चूजों वाली शॉप पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे जैसे उस मुर्गी का चूजा था ना छोटा सा, उसी साइज के ही है, और मुझे लगता है कि वो मुर्गी जो है ना एक्सेप्ट कर लेगी इन चूजों को। और यहाँ पर है यार रंगीन वाले चूजे, जो कि हम नहीं लेंगे, अगर इनको लेंगे तो यार ये मर जाते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है ये नहीं बचते यार, ये मर जाते हैं। जितना कोशिश कर लो, जितना दवाई कर लो, जो कर लो, ये नहीं बचते। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने चूजे ले लिए हैं, अब जाते हैं हम मुर्गी के पास और ये चूजे उसके नीचे रखते हैं। चलो भाई हटो 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 हटो।
ओए ओए पागल, ये बिल्ली इधर जा रही थी, तो सारे कबूतर वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं घर, और अब हम क्या करने वाले हैं कि इन चूजों को अभी रख देते हैं साइड पर, यहाँ पर मैं रख देता हूँ, क्योंकि यार अभी टाइम नहीं है मुर्गी के नीचे ये चूजे रखने का। थोड़ी सी रात हो जाए फिर हम ये चूजे चोरी से रख लेंगे। अगर इस टाइम रखेंगे ना यार, उसको पता चल जाएगा कि यार मेरे चूजे नहीं है, तो वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। रात का टाइम होता है, बेस्ट टाइम अंधेरे में रखेंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा। इधर रख देते हैं ताकि हमारी बकरियों से भी ये बचा रहे ना, क्योंकि यार अगर हमारी बकरियों को ये खुला हुआ थैला दिखाई दे गया ना, सारा का सारा ये दाना खा जाएगी, और फिर क्या होगा एंड में, बीमार, पेट खराब, बहुत कुछ हो जाएगा। इसके लिए यार चिकन लेकर आओ सितान, इसको ये वाली चिकन दे दिए थोड़ी देर पहले, मैंने दे दिया था चिकन को भी और ईगल को भी, अब इनको कल देना है। चिकन को भी, ईगल को भी, सॉरी इसको भी और ईगल को भी। तो देखिए यार, डरबर हमारा खाली हो चुका है और सारे कबूतर ने इस साइड पे आए हुए हैं, क्योंकि बिल्ली अभी आई थी ना ब्लैकी हमारी, उसकी वजह से डर के यहाँ पे आ गया, पता नहीं वापस कब जाएंगे ये। तो यार सूरज ढल चुका है, तो थोड़ी देर के बाद हम अपनी मुर्गी के पास चूजे लेकर जाएंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। आजो भाई, आजो आजो, चलो भाई। ये देखें दोस्तों, ये चूजा और ये चूजा देखें, सेम टू सेम एक साइज के यार। तो यार अब ये वाले चूजे मैं इसके नीचे रख रहा हूँ। चलो भाई, चलो। इसकी आंखें बंद कर लेता हूँ मैं, अब तुम रखते जाओ, इसको बेवकूफ बना रहे हैं हम। हाँ जी, रख लिए, रख लिए, अब इसकी आंखें खोल दो। कुछ नहीं कह रही यार, तो अभी यहाँ से यार चलते हैं। चलो यार सीते हैं, चलो। उसको ये ना हो कि शक हो जाए कि यार मेरे पास इतना चूजे कैसे आ गए। टोटल यार इसके नीचे अब है 21 चूजे, इसका अपना एक चूजा है, बाकी हमने 20 चूजे लिए थे। तो चलो सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग ईगल। तो यार सुबह हो गई है और अब हम अपनी मुर्गी के पास जाते हैं और देखते हैं क्या मुर्गी ने उन बच्चों को एक्सेप्ट किया या नहीं किया। सही जुगाड़ बनाया, ये गिर जाएगी लकड़ी। नहीं नहीं, चलो आओ आओ अंदर आओ यार, देख पता है क्या है, इतने सारे चूजे। चलो आराम से, मुर्गी डर ना जाए, और इनको बाहर भी निकालेंगे अभी, है ना। बिल्कुल ठीक है वो। अरे यार सारे के सारे नीचे आए हुए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, ये चूजे तो इसके साथ सारे अटैच हो गए। ऐसे। तो यार अब ना अपने हम चूजों को ना ये घास और थोड़ा सा अनाज है ये डाल के देखते हैं, और यार चेक करते हैं मुर्गी के साथ में ये खाते हैं मिलके या नहीं खाते। ये देखें यार, सारे मुर्गी के पास आ गए चूजे, और समझ रहे हैं कि यही हमारी माँ है, लेकिन ये इनकी माँ नहीं है। आपको पता है यार, हम ना ये चूजे मार्केट से लेकर आए हैं जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, तो अब ये मुर्गी इनको पालेगी इंशाल्लाह। तो यार चलो इनको हम खाने देते हैं खाना, हम थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं। पानी इन लोग को प्यार लगी है, एक और गुड़ी हो जाए। हाँ कहाँ पे है, कहाँ है? माशाल्लाह यार सारे चूजे अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, बस दुआ यही करनी है कि यार ये जल्दी से बड़े हो जाएं, पल जाएं। ये मुर्गी तो यार अपने सारे अंडे खराब कर दिए थे, तो हम दूसरी दफा ऐसा कर रहे हैं कि इस मुर्गी के नीचे दूसरी मुर्गियों के चूजे रख रहे हैं, तो बस यही यार इसकी आदत है कि ये अंडे अपने खराब कर देती है, गंदी मुर्गी हो गई यार, बड़ी होगी ना इस वजह से। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शेयर में दिया आपको सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे चलो कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।